नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज रूम पोस्ट में। मैं हूं आपके साथ रोशनी सिंह। दिल्ली की रहने वाली पूनम गुप्ता शादी के बाद यूके गई थी। पूनम ने इकोनॉमी ऑनर्स में डिग्री लेकर एमबीए किया था। पति वहीं सेटल थे। यूके जाने के बाद पूनम नौकरी की तलाश कर रही थी। समस्या यही थी कि पूनम के पास यूके में काम करने का कोई अनुभव नहीं था। इसकी वजह से उन्हें वहाँ नौकरी नहीं मिल रही थी। यूके के स्कॉटलैंड में रह रही पूनम गुप्ता को नौकरी नहीं मिली तो उनके मन में बिजनेस करने का ख्याल आया। इसके बाद क्या किया जाए, इस पर वो रिसर्च करने लगी। रिसर्च के दौरान पेपर रिसाइकलिंग का ख्याल आया। काम शुरू करने के लिए पूनम गुप्ता के पास कोई पूंजी नहीं थी। स्कॉटलैंड सरकार की एक योजना से पूनम गुप्ता को 1,00,000 रुपए का फंड मिला और इसके बाद पेपर और मेटल रिसाइकलिंग का काम शुरू कर दिया। पूनम गुप्ता ने कहा कि 2003 में हमने अपनी कंपनी की शुरुआत की थी, आज 19 साल हो गए हैं। आज उन्होंने 800 करोड़ रुपए से अधिक की कंपनी खड़ी कर दी है। 1,00,000 रुपए से 800 करोड़ रुपए की कंपनी खड़ी करने वाली पूनम गुप्ता की कहानी प्रवासी भारतीय सम्मेलन में लोग ध्यान से सुन रहे थे। इस दौरान मंच पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन भी थी। पूनम ने पाया कि यूरोप और अमेरिकी देशों में कंपनियां रोज कई टन स्क्रैप पेपर फेंक देती हैं। इसे ठिकाने लगाने में लाखों रुपए खर्च होता है। अगर इसे रीयूज किया जाए, इंडिया के हिसाब के इस पेपर की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है और अच्छा पैसा कमाया जा सकता है। पूनम गुप्ता की कंपनी का नाम पीजी पेपर कंपनी लिमिटेड है। शुरुआत में पूनम गुप्ता की कंपनी यूरोप और अमेरिका की कंपनियों से स्क्रैप पेपर खरीद रही थी। अब दुनिया के कई देशों से स्क्रैप लेती है, साथ ही अच्छे क्वालिटी का पेपर तैयार कर दूसरे देशों में भेजती हैं। पूनम गुप्ता के पति पुनीत गुप्ता भी नौकरी छोड़ पत्नी के कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए साथ आ गए। पुनीत फॉर्म कंपनी में अच्छे पोजीशन पर थे। वो करीब 80,00,000 रुपए के पैकेज पर नौकरी कर रहे थे। 2005 में उन्होंने नौकरी छोड़ दी। अपनी पत्नी के बिजनेस में पार्टनर हैं। दोनों साथ मिलकर बिजनेस को ग्रो कर रहे हैं। पूनम ने बताया कि कुछ काम हम दोनों साथ करते हैं तो कुछ काम हम दोनों के अलग अलग हैं। वहीं पूनम हम भारत में भी निवेश कर रही हैं। उन्होंने कई स्टार्टअप में निवेश किए हैं। पूनम गुप्ता ने कहा कि आज की तारीख में हमारी कंपनी 60 देशों में कारोबार करती है। साथ ही 7 देशों में हमारी कंपनीज के ऑफिस हैं। US, चीन, इंडिया, इजिप्ट और स्वीडन समेत अन्य जगहों पर ऑफिस है। पूनम गुप्ता ने कहा कि हमारी 2 बेटियां हैं, एक 17 और 15 साल की हैं, जिसका नाम सानवी और अनन्या है। दोनों अभी पढ़ाई कर रही हैं। वहीं पूनम गुप्ता के पिता भी दिल्ली में कारोबारी हैं। पूनम गुप्ता अपने परिवार की पहली महिला हैं जो कारोबार कर रही हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर ज़रूर करें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करें।